शो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है निखिल सैनी, आप देख रहे हैं टेक्नो किंग यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विंडो 8 को आप अपने पीसी या फिर लैपटॉप में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो विंडोज इंस्टॉल करने से पहले सबसे पहले आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी। अगर आपने कोई भी स्टेप मिस कर दी तो आपकी विंडो में एरर भी आ सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सबसे पहले अपनी विंडो 8 की ISO फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता कि विंडो 8 की ISO फाइल को डाउनलोड कैसे करते हैं, मैं उस पर पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको वो वीडियो देखनी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विंडो 8 को डाउनलोड करने के बाद आपको बूटेबल पेन ड्राइव की ज़रूरत पड़ेगी। आप कोई भी नॉर्मल पेन ड्राइव ले लीजिए, वो 4 से 8 GB तक की होनी चाहिए। अगर आपकी 2 GB की पेन ड्राइव है तो आप उसको बूटेबल नहीं कर सकते। आपको 4 GB की पेन ड्राइव ले लेनी है। 4 GB की पेन ड्राइव लेने के बाद आपको उसको बूटेबल बनाना है। बूटेबल कैसे बनाते हैं अगर आपको नहीं पता तो मैंने उस पर पहले ही वीडियो बना चुकी है। अगर आपको वो वीडियो देखनी हो तो लिंक उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले आपको अपने पेन ड्राइव कंप्यूटर में लगानी है और बूट मेन्यू को ओपन करना है। बूट मेन्यू कैसे ओपन करते हैं अगर आपको नहीं पता तो आपके जब आप पीसी ऑन करते हैं तो वहाँ पर लिखा आ जाता है कि F2 बूट मेन्यू, F3 प्रेस F3 बूट मेन्यू, ऐसे ऐसे F1 से लेके F12 तक आप कोई भी बटन प्रेस कर दीजिए और आपका बूट मेन्यू आप चेक कर लीजिए कि किस से ऑन होता है। सारे पीसी में अलग अलग होता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो पेन ड्राइव लगाने के बाद और बूट मेन्यू ओपन करने के बाद आप अपने पेन ड्राइव को सिलेक्ट कर लीजिए। पेन ड्राइव को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास प्रेस एनी की का ऑप्शन आएगा। प्रेस एनी की में आप एंटर प्रेस कर दीजिए। एंटर प्रेस करने के बाद आपके पास विंडो 8 का लोगो आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ये प्रोसेसिंग लेगा तो इसको प्रोसेसिंग लेने देते हैं। तो अब आपके पास इंस्टॉल नाउ का सेटअप आ चुका है, आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए। सेटिंग आपको डिफ़ॉल्ट रखनी है और नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपको इंस्टॉल नाउ पर टिक करना है। इंस्टॉल नाउ पर टिक करने के बाद यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। इंतज़ार करने के बाद आपके पास आई एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, उसको टिक करके नेक्स्ट कर दीजिए और इसको कस्टम इंस्टॉलेशन पे ही टिक कर दीजिए। अब आपको हार्ड डिस्क सेलेक्ट करनी है कि आपको कौन सी हार्ड डिस्क में विंडो को इंस्टॉल करना है और उसे फॉर्मेट कर दीजिए। तो मैं ओके पर टिक कर रहा हूँ और ये फॉर्मेट होने वाली है थोड़ी सी देर में, और ये फॉर्मेट हो चुकी है। अब मुझे इस हार्ड डिस्क में इंस्टॉल करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर टिक कर दूंगा। नेक्स्ट पर टिक करने के बाद आपके पास कॉपी होने लग जाएगी और इंस्टॉल विंडो होने लग जाएगी। तो इंस्टॉल विंडो में थोड़ा सा 10 से 15 मिनट का टाइम लेगा, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए। तो कॉपी होने के बाद ये अब रीस्टार्ट हो रहा है। तो पीसी को रीस्टार्ट होने दीजिए। कोई भी बटन बीच में प्रेस मत कर देना क्योंकि आपका एरर आ सकता है उससे। तो ये बूटिंग होना चालू हो गई है। तो यहाँ पर आपको विंडो 8.1 को सिलेक्ट कर लेना है। विंडो 8.1 को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर भी थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी।
यहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेसिंग हो रही है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर गेटिंग डिवाइस रेडी का ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पर थोड़ी सी परसेंटेज भी चल रही है, तो इसे 100% होने का थोड़ा सा वेट करना होगा। तो ये 100% हो चुका है, अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा गेटिंग रेडी होने में। ये प्रिपेयरिंग कर रहा है और प्रोसेसिंग चल रही है अभी। तो अब आपको पीसी का नेम डाल देना है। पीसी का नेम आप कोई भी रख सकते हैं, या तो आप अपना नाम डाल सकते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटर कुछ भी रख सकते हैं। तो पीसी का नाम डालने के बाद मैं अपने पीसी का नाम डाल रहा हूँ। तो पीसी का नाम डालने के बाद आप सिंपली नेक्स्ट पर टिक कर दीजिए। नेक्स्ट पर टिक करने के बाद आपको वाईफाई का ऑप्शन आएगा, अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो कनेक्ट कर लीजिए, नहीं तो स्पीक नाउ पे टिक कर दीजिए। इसको आपको कस्टमाइज में नहीं टिक करना है, आपको अपना नाम डाल देना है। अगर आपको पासवर्ड सेट करना है तो पासवर्ड सेट कर लीजिए, और अगर आपको पासवर्ड हिंट डालना है तो पासवर्ड हिंट डाल दीजिए। ये आप अपने हिसाब से कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर अपना नाम डाल दे रहा हूँ। अब मुझे इस पर कोई भी पासवर्ड नहीं लगाना, तो मैं सिंपली फिनिश पर टिक कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर फिनिश होने लगेगा, थोड़ा सा यहाँ पर वेट होगा। तो अब आपके पास हाई का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेसिंग चलेगी और फिर आपकी विंडो ओपन हो जाएगी। तो देखते हैं। तो आपकी विंडो थोड़ी देर में ओपन होने वाली है। आपकी विंडो अब होने वाली है ओपन, और ये ओपन हो चुकी। तो आपकी विंडो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुकी है, विंडो 8। अब आप इन्जॉय कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको कोई भी परेशानी हो विंडो इंस्टॉल करने में, या फिर कोई भी एरर आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए।